साल हो गए यहाँ पर आके, बट ये सब देख के वापस मेमोरीज वापस आ रहे, तो बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग है यहाँ पर आके। एंड बाय द वे ये रिनोवेट हो रहा है। मुझे इतना गंदा वाला फ्लैशबैक हिट हो रहा है ना ये सब देख के, मतलब ये देख के नहीं बट ओवरऑल ट्रेन वगैरह ये स्टेशन में 5-6 साल पहले चल के आना सब हिट हो रहा है और बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेदर काफ़ी ठंडा है प्रेजेंट है। एंड अभी यहाँ से हम लोग अभी टैक्सी लेके, एक्चुअली टैक्सी बुक नहीं किया तो हम लोग टैक्सी फिगर आउट करेंगे पहले, फिर उसके बाद देखते। सो आई जस्ट नोटिस कि मेरे पीछे जो आपको बंगला जैसा दिख रहा है इतना बड़ा, वो एक्चुअल में स्टेशन है। इतना बड़ा स्टेशन ये तो अपने नवी मुंबई वाले को ही तोड़ रहा है। अभी डमजूर में हूँ, अभी बंगाली में डोमजूर बोलते हैं बट आप लोग को समझ में आए इसके लिए डमजूर बोलते हैं। तो डमजूर से अभी डमजूर में छोड़ा, अभी डमजूर से मेरे को हम लोग को दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा, तो अभी फिलहाल मिल नहीं रहा, तो फिर अभी इसे चेक कर रहे हैं, उसकी सब बहुत पैसा मांग रहा है। डैड अभी गए मिठाई लेने यहाँ से बंगाल, वो नहीं बोल ची और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, पूरा वेदर बहुत अच्छा और मैं बस एक्साइटेड हूँ घर पे जाने के लिए। रेस्ट करूँगा, बहुत थक गया, थका नहीं हूँ बट अच्छे से सोने नहीं मिला तो थोड़ा सो जाऊँगा। गुड़ का रसगुल्ला, बहुत टाइम बाद गुड़ का रसगुल्ला खाऊँगा। फ्रेश होता हूँ, फिर फ्रेश होके थोड़ा बाहर निकलता हूँ, बाहर जाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये मेरे घर के पीछे का जंगल है, तो वहाँ पर ही घूम रहा अभी। यहाँ पर खेल यार, बोलो दी कहाँ नाचो। यहाँ पर बचपन में बहुत आया जाता था, यहाँ से पीछे पूरा एक मैदान है, वहाँ पर ही जा रहा हूँ फिलहाल डैड के साथ। और ये यहाँ का पॉन्ड बोल सकते हैं, जो गंदा दिख रहा है बट यहाँ पर ही सब कपड़ा धोना, स्नान करना मोस्टली, यहाँ पर मच्छी पकड़ना, फिश पकड़ना। एंड या ये मेरे डैड यहाँ पर पार्टी करने गए, ये पूरा एकदम मस्त है स्पॉट, हाँ एंजॉय करते। थोड़े दिन बाद मेरे डैड भी यहाँ पर ही मिलेंगे। बचपन में इधर बारिश में आता था, हाँ वो सब मच्छी पकड़ने, हाँ नेल पकड़ने, यहाँ पर बकरी गाय पूरा फार्म एरिया सॉर्ट ऑफ। पहले मेरे दादू के पास भी था, तो दादू को जब से पैर का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तब से यहाँ पर कभी कभी मेरे को आने में डर लगता था, क्योंकि एक बार मैंने देखा था यही रास्ते से, नहीं नहीं सॉरी, इसका अपोजिट में भी एक ऐसे ही है जंगल जैसा, वो रास्ते से मैं जब जा रहा था तो क्रोकोडाइल क्रॉस हुआ था, तो मैं तब से और जाना कम कर रहा था, बारिश के टाइम पे मोस्टली आता है, तो अभी इतना आई थिंक
इशू है नहीं। तो अभी फुल फ्रेश होके अभी निकल रहा हूँ नानी के घर पे। सुनाई नहीं दे रहा होगा बट मैं बोल रहा हूँ ऐसे, उनके लिए सामान है बैग में वो सब देने जा रहा हूँ, नानी से भी मिला नहीं। और आई थिंक नानी को पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ, शायद मैं सरप्राइज बना रहा हूँ। मम्मी ने बोला था कि मैं नहीं आऊँ। यहाँ का हरे कृष्णा का मंदिर है। आज इसको मिला के 4 कप चाय हो गया। अभी ये नानी के घर पर एक फिर हूँ। और इसके पहले लाइक मैं रिकॉर्ड करने वाला था बट रिकॉर्ड किया नहीं, जस्ट बिकॉज जो नानी के चेहरे में जो खुशी था वो मैं अपने तक ही रखना चाहता हूँ। लाइक इतना अच्छा लगा ना मेरे को कि लाइक नानी एक्सपेक्ट नहीं थी कि मैं आ रहा हूँ, एक्चुअली ये सरप्राइज था। तो मैं सोचा नानी को पता रहेगा, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है मोस्टली गाँव में, बट उनको नहीं पता था। तो बस तो अभी यहाँ से और आ गए नज़दीकी है नानी के, तो मासी को भी मिल लेते हैं। तो ये काली पूजा का मंदिर और हरे कृष्ण का मंदिर है, सब रेडी कर रहे हैं क्योंकि शाम को यहाँ पर पूजा है। सो अभी घर पे आ गए हूँ, सबको जो भी सामान देना दे के आ गए। अभी मोस्टली आई थिंक खाने बैठेंगे अभी, और आई थिंक अभी कुछ है नहीं फिलहाल देखने में। और डायरेक्ट फिर शाम को ही मिलता हूँ, डायरेक्ट फिर शाम को वहाँ पर मंदिर के वहाँ पर मिलता हूँ। मैं जब ऊपर आया घर के तो मैंने देखा कि यहाँ पर कबूतर बैठा था और वो ऐसे सर करके उड़ गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं वापस नीचे गया, वापस ऊपर आया, देखा वापस वही कबूतर वापस उड़ के वापस गायब हुआ। फिर तीसरे बार भी वही सेम चीज़ हुआ। फिर मैं सोचा ये बार बार कबूतर आ रहा है जा रहा है, आ क्यों रहा है इधर। फिर अभी पता चला कि उसने ऊपर दिख रहा है उसने घोंसला बनाया और घोंसले में शायद ऑफकोर्स उसके अंडे हैं, तो इसके लिए वो बार बार आ रहा है। एंड अच्छी बात है, लाइक बहुत बहुत शांति से बैठा है एकदम, जैसे भी मैं ये करूँगा तो गायब हो जाएगा। तो मैं कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बट मेरे को समझ में नहीं आया तो मैं बार बार ऐसा झाड़ रहा हूँ कुछ कपड़ा, या फिर बार बार यहाँ पर आ रहा हूँ तो वो बार बार चले जा रहा है। तो सॉरी, वो मेरा बहुत ही नया मेरा बहुत पुराना ब्लॉग, आई थिंक 1 हफ्ता हो गया। तो वो ब्लॉग अभी एडिट करके मैं रेंडर कर रहा हूँ, अभी टाइम मिला तो कर रहा हूँ। एंड आई थिंक हो गया, ये बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग था, तो ये जल्दी हो ही गया। ट्रेन में ऑलमोस्ट आई थिंक मेरा 70% हो गया था, खाली यहाँ पर थोड़े बहुत फुटेजेस ऐड करने थे आई थिंक, तो वो डन हो गया। एंड या जाके देखना इसको। अभी है पूजा, तो मुझे पूजा पे जाना है। बट अभी मेरा मेन इशू ये है कि ये रेंडर तो हो जाएगा, मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू है। तो अभी वो नेटवर्क का क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। टेरेस में आई थिंक इतना कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, जो यहाँ पर स्पीड दे रहा है वही वहाँ पर भी दे रहा है। तो मैं अभी रात भर छोड़ दूँगा इसको अपलोड होने में, क्योंकि आई थिंक ये कितना 1.5 GB का कुछ तो है। तो फिंगर क्रॉस हो जाए, वरना फिर मेरा पूरा 1 हफ्ता ये भी वेट करना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट बॉम्बे से करना पड़ेगा आई थिंक सो। सो या तो या मैं अभी रेडी होता हूँ, रेडी होके निकलता हूँ क्योंकि डैड ऑलरेडी चले गए। तो मैं रेडी हूँ बंगाली पूरा, और अभी निकलते हैं। मैं और दादी निकले मंदिर के लिए, और डैड और उनके पापा आ रहे हैं। और अभी यहाँ पर पूरा ऐसा सजावट है, यहाँ पर छोटे छोटे मेले जैसे बैठे, बट मेले बोल नहीं सकते, मिठाई वगैरह मिल रहा यहाँ पर, खाना वगैरह जिसको चाहिए सब। तो यहाँ पर अभी काली माँ लेके आएंगे और उसको क्या बोल रहा हूँ, काली माँ को यहाँ पर बिठाएंगे, फिर उनका पूजा करेंगे। और यहाँ पर एक्चुअली मैं बोलना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पर मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ पर बकरी को बोलो एज अ प्रसाद जो भी है आप समझ गए रहेंगे, तो उनको उसको काट के यहाँ पर इसको सर्व करेंगे काली माँ को। मिठाई मेरे को यहाँ पर इनको देना पड़ेगा, और साथ में डोनेशन कुछ तो आई थिंक ऐसा कुछ तो है पता नहीं। मैं खाली दादी के साथ हूँ, दादी को फॉलो कर रहा हूँ क्या करने का। फुल शॉक में गया कुर्ता पहन के, और आगे टाइट हो गई, और मैंने रिकॉर्ड भी किया कि मुंह से धुआं निकल रहा था। मैं सोचा था मैं रिकॉर्ड करूंगा बाहर जाके, बट आई गेव अप।
लाइक लिटरली मैंने से पूरे लोगों में मैंने कुर्ता पहना था, सब लोगों ने पहना था, सब लोग सच के आ गए, बट सब लोगों ने ऊपर स्वेटर लगा के फूल एकदम ऐसे शॉप में जा रहा हूँ कि कुर्ता मैं ठंडा कहाँ है, ठंडी किधर है। बट फिर जैसे ठंडी घुसा बोला यार बहुत बड़ी गलती है, नाक बह रहा है।